में सवार जो विष्णु है और उनके साथ जो जायरीन दरगाह जियारत के आ रहे थे, इसी दौरान पिकअप गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें विष्णु जो पंचर बना रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके अलावा 10 सवारियां थी जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, उनको चोट आई है, जिसमें से 2 को गंभीर चोटें आई है, जिनको JLN अस्पताल में भी रेफर किया गया है। इस मामले में अब किशनगढ़ थाना पुलिस है वो जांच में जुटी है। गाड़ी चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है, उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जो है किशनगढ़ थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी है और घायलों को पर्याप्त इलाज मिले इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब खबर चुरू से है, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी के रेड अलर्ट के बीच यहां का पारा 47 डिग्री के पार चल रहा है। आगामी दिनों में यहां तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तन झुलसा देने वाली ये लू के थपेड़ों की वजह से बाजारों दफ्तरों में सन्नाटा पसर रहा है। आग उगलती सड़कें भी अब सुनसान नजर आ रही हैं। जरूरी काम के घरों के बाहर ही अब लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। धूप से बचने के लिए सूती कपड़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर परिषद की दमकल से आग उगलती सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया है, लेकिन तपती सड़क पर पानी कुछ ही देर में भाप बनकर उड़ गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। चुरू में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहां चिलचिलाती धूप और सीवियर हीट वेव की वजह से पारा पिघलकर 48 डिग्री के करीब है, वो पहुंच गया है। यहां सुबह नहीं होती, सीधे ही दोपहर हो रही है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह भी यहां 38 डिग्री के करीब है वो तापमान चलता है। जो गर्मी का एहसास है वो सुबह 8 बजे ही होने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें सीवियर हीट वेव की, तो दिन भर जो सीवियर हीट वेव है उसकी वजह से लोग हैं वो जरूरी काम से से बाहर निकल रहे हैं। दिन भर जो बाजार है उन बाजारों में भी लोगों का आवागमन काफी कम रहता है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी सूती कपड़ा या अन्य जो गर्मी से बचने के सामान हैं वो साधन लेके चलना पड़ता है। अगर बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद के द्वारा इस गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए जो तप्त सड़कें हैं उन तप्त सड़कों के ऊपर और दमकल से पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। हालांकि नगर परिषद के ये प्रयास हैं वो इस भीषण गर्मी के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। अगर बात करें लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उसकी, तो जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसका मानना है कि आगामी दिनों में भी इस गर्मी से राहत है वो कहीं नहीं मिलने वाली है। आगामी दिनों में जो तापमान है वो तापमान यहाँ 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। भीषण गर्मी का दौर जारी है और लोग इस गर्मी से काफ़ी हलकान हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए चुरू से मनोज शर्मा।